हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आंटी के सामने उसकी बेटी से मोहब्बत का इजहार। दोस्तों, ये कहानी थोड़ी सी हटके है। मैंने तो बड़ी उम्मीद से अनुमति मांगी थी, क्या मैं तेरी बेटी पटा लूं आंटी? तो आंटी ने जवाब दिया, बेटा गिरीश, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं और तू इतनी जल्दी मेरी बेटी से मोहब्बत भी कर बैठा। आंटी आगे बोली, मेरी बेटी के पहले बेटी की अम्मा को प्यार में के जाल में फंसाना पड़ेगा तुझे। बेटा गिरीश, उसके बाद उसकी बेटी से मिलो, उससे बातचीत करो, उसके बाद देखना कि वह क्या करती है तेरे साथ। अगर उसने खुशी खुशी तेरा प्यार कबूल कर लिया तो समझो कि तेरा काम हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं बता रही हूँ तुम्हें कि मेरी बेटी भी तुझे कहीं ना कहीं चाहने लगी है और वह जो करती है उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। आंटी ने बताया, मैं जिस कॉलेज में टीचर हूँ मेरी बेटी उसी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी बेटी को मालूम है कि मैं कैसी हूँ। मैं जैसे तुम लोग रोज दाल रोटी खाते हो वैसे ही मैं खाता खोलती हूँ। मैंने जब ये बातें सुनी तो मेरा दिमाग हिल गया। मुझे यकीन होने लगा कि अब आंटी की बेटी भी मुझे चाहती है। जुवेरा आंटी हमारी कॉलोनी में ही रहती हैं। उनके दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। उनका लड़का बल्लू मेरी क्लास में पढ़ता था। मेरी उससे बड़ी दोस्ती है इसलिए मैं आंटी के घर आने जाने लगा। बल्लू आजकल दिल्ली में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है। आंटी की बेटी का नाम है रुमीना और बातें खूब करती है। मैंने उसके मुंह से गालियां सुनी है और बोलते हुए सुना है, तब से ही मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मेरा एक तरफा प्यार है। मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन उसके पास जाके अपने दिल का हाल बताऊं। एक दिन जब मैं आंटी के घर गया तो देखा कि घर में कोई नहीं है। मैं रुमीना के बारे में सोचने लगा, फिर क्या, मुंह से उसका नाम बुदबुदाने लगा। इतने में किसी ने आवाज दी, मेरी आंख खुली तो देखा कि वह तो जुबेरा आंटी है। मैं थोड़ा सहम गया, सक पका गया और बोला, अरे आंटी सॉरी। वो बोली, नहीं बेटा सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताऊं दोस्तों, आंटी बहुत अच्छी महिला है, किसी को भी दीवाना बना सकती हैं। वो इतनी अच्छी है कि मैंने कभी सोचा ना था। फिर वे मुझसे खुलकर बातें भी करने लगी। मेरे मन में आया कि ऐसे ही अगर इसकी बेटी रुमीना मेरे से प्यार कर बैठे तो मजा आ जाएगा। दूसरे दिन जब मैं आंटी के घर गया तो मेरी हिम्मत खुल चुकी थी। मैंने पूछ लिया, मैं तेरी बिटिया से मिलना चाहता हूँ आंटी, उसके बाद जो हुआ वो सुनो। आंटी बोली, पहले बेटी की अम्मा से तो रिश्ते मजबूत कर लो, फिर उसकी बेटी के बारे में बातें करना। वे और बोली, तूने कभी किसी से प्यार किया भी है कि बस ऐसे ही मेरी बेटी के पीछे पड़ा है? मैंने कहा, मैंने अभी तक किसी से प्यार का नाम तक सामने नहीं लिया। आंटी बोली, अरे वाह गिरीश। मैंने कहा, आज तो तू मेरे लिए चॉकलेट लाया है। मैं मन में बोलने लगा कि ये तो तेरी बेटी के लिए है। उसने पूछा, तो तेरी गर्लफ्रेंड नाराज नहीं हुई? मैंने कहा, नाराज क्यों होगी, मैं तो सबको चॉकलेट देता रहता हूँ। आंटी बोली, पर तूने मुझे बताया क्यों नहीं, ये मेरे लिए लाया है और इतनी देर मुझसे छुपा कर बैठा है। मैंने सोचा कहीं आप नाराज ना हो जाए, तो हिम्मत नहीं हुई। अब जब आपने खुद ही मांग ली तो मेरी हिम्मत हो गई है बताने की। मेरी बातें सुनकर वो खुश हो गई। फिर कुछ दिन बाद एक संडे को मैं आंटी के घर गया। मैंने घुसते ही देखा कि आंटी अपनी बेटी से बातें कर रही हैं। मैं छिपकर चुपचाप उनकी बातें सुनने लगा। आंटी बोली, बेटी रुमीना, कल तेरा बॉयफ्रेंड आकाश आया था। रुमीना बोली, अच्छा, वह तो बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का है अम्मी। आंटी, हाँ वो स्मार्ट और हैंडसम है बेटी। रुमीना, तुम उससे कब मिली? आंटी, एक दिन यूं ही मुलाकात हो गई थी। रुमीना, उस दिन जब तुम मौसी के घर गई थी तो जैकब सर आए थे। आंटी, तो क्या उसने कुछ बोला तुमसे? रुमीना, रुमीना, हाँ बिल्कुल, यहाँ वहाँ की बात कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल दुनिया के बाहर ही पहुँच गया था। तब तक मैं उनके सामने आ गया। मुझे देखकर रुमीना बोली, अरे यार गिरीश, तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, कहाँ चले गए थे? तब आंटी बोली, अरे ये तो है दमदार, मगर तुझे बहुत चाहता है। रुमीना मुझे बड़े गौर से देखने लगी। मैं समझ गई कि उसकी अम्मी गिरीश से मिल चुकी हैं। वह बोली, अच्छा ऐसी बात है, तो फिर मुझे भी मिलना पड़ेगा। क्यों गिरीश? मैंने कहा, अरे यार क्यों मजाक कर रही हो? वह बोली, मजाक मैं नहीं कर रही हूँ, तुम कर रहे हो। या तो मुझे अपनी सारी बातें बताओ या फिर कहो कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो। मैंने कहा, अच्छा मौका आने दो, मैं बता दूंगा। आंटी मेरी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। इतने में रुमीना बोली, अरे अम्मी तुम अंडे उबलने के लिए रख दो, मैं टमाटर प्याज खीरा वगैरह काट लेती हूँ। आज क्यों ना हम तीनों थोड़ी मौज मस्ती कर ले। आंटी तुरंत मान गई। सामान तैयार हो गया और रुमीना ने खोल दी विस्की की बोतल। उसने तीन पैक बना दिए। हम तीनों ने एक एक पैक पकड़ लिया और ड्रिंक शुरू हो गई। रुमीना बोली, पहले थोड़ा शुरू तो होना जरूरी है। मेरी नजर रुमीना पर थी, मेरा दिल वही अटका हुआ था।
मैंने कहा, रोमिना तुम बहुत सुंदर हो, तुम भी बला की खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर तो लड़के आहें भरने लगते हैं। वह बोली, अरे मेरे प्यारे अम्मी के टट्टू गिरीश, तुमने मुझे अभी देखा ही कहाँ है। मैंने कहा, तो फिर इतना वक्त किसके लिए लगा रही हो। वह बोली, गिरीश सब धीरे धीरे होते अच्छा लगता है, जिंदगी का उसूल है ये। तब तक दो दो पैक ड्रिंक खत्म हो गई थी और नशा भी चढ़ने लगा था। हम लोग आमने सामने बैठे थे। आंटी ने कहा, गिरीश आज तो ज्यादा हैंडसम लग रहा है। तब तक उधर रोमिना ने बोली, लड़कों को ज्यादा होशियार होना चाहिए। मैंने कहा, यार रोमिना क्या तुमने कभी किसी से सच्ची मोहब्बत की है। वो बोली, नहीं वैसा वाला तो नहीं किया आज तक, सिर्फ टाइम पास ही रहा है। उधर आंटी ने रोमिना को आंखें दिखाई और बोली, इतना अच्छा लड़का है गिरीश, कितना हैंडसम है, इतना तो चेक भी नहीं है। बातों में तो जैसे वो दोनों बहने लग रही थी, मेरी खुशी का ठिकाना ना था। रोमिना बोली, यार गिरीश तुम मुझे चाहते हो तो बोल देना था ना मुझे। मैंने कहा, मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ रोमिना। तब तक आंटी ने कहा, गिरीश आज तूने बोल ही दिया, मुझे अच्छा लगा, इस तरह अम्मी के सामने मैंने अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। फिर आंटी ने मुझे रात के खाने के लिए रोका और बोली, गिरीश आज रात हमारे साथ ही खाना खाएगा। मैंने ऐसा ही किया। प्रिय पाठकों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं और मैं आपके लिए नई कहानी जरूर लेकर आऊंगी। तो दोस्तों चलती हूँ, बाय।